मध्य प्रदेश की गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया है और कहा है कि कांग्रेस पाश्चात्य संस्कृति पर चलती है। वहीं राम मंदिर के लिए कांग्रेस के चंदा इकट्ठा करने पर भी कहा कि पब्लिक सब जानती है। तो आपको बता दें कि गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिनका बयान सामने आया है और कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पाश्चात्य संस्कृति पर चलती है। कांग्रेस जो है राम मंदिर को लेकर चंदा इकट्ठा करने जा रही है, आज से चालू करेंगे चंदा इकट्ठा। अच्छा है ना, इसमें क्या बुराई है, करें वो, ये पब्लिक है सब जानती है। दुखद है जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो वो कन्या पूजन पर सवाल उठाए, पाश्चात्य संस्कृति से जो पार्टी रंगी होगी वो भारतीय संस्कृति को क्या जाने के कन्या पूजन में हम लोग क्या देखते हैं। ये हमारी संस्कृति का परचायक है, कमलनाथ जी को समझ आएगी नहीं कन्या पूजन का महत्व। दोनों पर कुछ नहीं होने वाला, मैं ही बता देता हूं परिणाम आपको। दोनों वरिष्ठ नेता हैं, गोविंद सिंह जी भी आदरणीय, लाखन सिंह जी भी, दोनों ही आदरणीय नेताओं पर ये कुछ नहीं कर सकते, औपचारिकता है होना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों ने सराहनीय काम किया, मोदी जी के भरसक कोशिश आज विश्व के अंदर सराही जा रही है, विश्व के 125 देशों से ज्यादा देश आज हमारी वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का आभार कि आज वैक्सीन, और इसलिए जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता से निवेदन है वो ही इनके भ्रम को तोड़ दे, सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लें।